नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बांदा जिला अधिकारी अनुराग पटेल द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभागों में विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गई। अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर मौजूदगी को लेकर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए गैर मौजूद कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है। जिलाधिकारी अनुराग पटेल इन दिनों भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त मूड में हैं। अब उन अधिकारियों व कर्मचारियों की खैर नहीं जो अपना कार्यों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करते। आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर विभागों के चक्कर लगाते रहते हैं और विभाग के लापरवाह कर्मचारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध जिला अधिकारी ने अभियान चलाया है। इसी के चलते आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अंदर से लेकर बाहर तक गंदगी का अंबार लगा हुआ था और कई कर्मचारी भी अनुपस्थित थे जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक दिन का वेतन काटने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है और 3 दिन के अंदर कार्यालय में अभियान चलाकर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए और कार्यालय में अभिलेखों का भी रखरखाव दुरुस्त किया जाए। जब जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया तो वहां की स्थिति बद से बदतर नजर आई। गंदगी का अंबार लगा हुआ था। कार्यालय में कमरों के ताले खुलवाए गए जिनमें कई सामग्री मिली। हारमोनियम, सिलाई मशीन, टैप रिकॉर्डर, पुरानी प्रेस, लकड़ी की अलमारी कबाड़ के रूप में पड़े हुए मिले। जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय में अत्यधिक गंदगी एवं कार्यालय के कमरों में अस्त व्यस्त पड़े हुए सामान पर सख्त नाराजगी व्यक्त की और जिला विद्यालय निरीक्षक का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया गया है और आदेश दिया गया है कि जितने भी सामान पुराने पड़े हुए हैं उन्हें समिति गठित करते हुए नीलामी की कार्रवाई की जाए और कार्यालय की सफाई की व्यवस्था जल्द से जल्द कराया जाए। बांदा से पूरन राय की रिपोर्ट। क्या कुछ पाया है, किस तरह की कार्रवाई? देखिए, रूटीन निरीक्षण आया है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी समय से अपने कार्यालय में उपस्थित रहे, उपस्थित रह के काम करें, पब्लिक उनको सुने, उनकी शिकायतों का निस्तारण करें और अपने कार्यालय के अंदर और बाहर साफ सफाई सुनिश्चित करें। उसी क्रम में आज हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में और जिला विद्यालय निरीक्षण दोनों कार्यालय की कैंपस में उनका निरीक्षण किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हमारे कुछ अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, उसमें वित्त एवं लेखाधिकारी अभिषेक यादव हैं, उनके जिला समन्वयक एमडीएम भास्कर आसवानी हैं, जिला समन्वयक सिविल निर्माण मोहम्मद आमिर हैं, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता सूर्य प्रकाश हैं और श्री नरेंद्र गणेश राय के अनुपस्थित पाए गए। उनका स्पष्टीकरण मांगा गया और 1 दिन का वेतन रोका गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में साफ सफाई अच्छी नहीं पाई गई और बाहर भी साफ सफाई नहीं थी, अंदर आइलैंड जगह जगह अलमारियों के ऊपर फर्श पर पड़ी हुई थी। निर्देशित किया गया कि अभियान चला कर 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय के अंदर और बाहर की सफाई सुनिश्चित कराए। इसके अलावा GIC के कैंपस में एक BSA की नई बिल्डिंग मिल गई जो 2003 से रुकी हुई है और कार्यदायी संस्था है, कितना पैसा खर्च हुआ है ये से कोई जानकारी नहीं है। उसमें जंगली गोबूर खड़े हुए हैं और कुछ जानवर भी उसमें सुअर इत्यादि रहे हैं। जैसे निर्देशित किया गया कि पता कराएं कि 19 साल से बिल्डिंग जो बनी, 6-10 तक की बनी खड़ी है, सरकार का पैसा उसमें लगा है और उसकी फाइल में तलब किया है, फिर उसको पता किया जाएगा कि फाइल 19 साल से विद्यालय सारी DSA का दफ्तर क्यों बंद है। तो जो भी जिम्मेदारी होगी उस पर कार्रवाई कराई। हमने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित पाए गए। इनके कुछ कमरे में ताले बंद थे, उसको हमने ताले खुलवाने की कोशिश की, नहीं खुला। तो 2 कमरों में ताला खुलवाया, उसमें पूरा कबाड़ भरा पड़ा है। 1 कमरे में अभी अनौपचारिक शिक्षा चलती थी तो अनौपचारिक शिक्षा की 4-5 हारमोनियम मिली हैं, 18 बड़े बक्से और 15 छोटे बक्से मिले हैं, सिलाई मशीनें मिली हैं, 2 आपके ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्ड मिले हैं और पहले जो लोहे की कोयले वाली इस्त्री होती जिनसे कपड़े सीते वो कभी बने। इसी तरह बहुत सारे उसमें और सामान भरे पड़े हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि एक अफसरों की टीम बना के उसका सत्यापन करा लें और जो सामान निष्प्रयोज है उसको निष्प्रयोज घोषित करके उसकी नीलामी कराएं और जो राजस्व मिले उसको सरकारी कोष में।